Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन चैनल एंड पार्ट ऑफ एन अकेडमी नाउ. तो जैसा आप लोगों को पता है कि अपन लोग पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे, और जैसा बच्चों के मैंने कमेंट देखा था ना कि बच्चों को एक डाउट था कि व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन तो आपने बताया नहीं. कोर इन्फ्लेशन मैं आपको बता देती हूँ एक बात, लेकिन सुनिएगा क्या है ना कि बहुत ज़्यादा वास्ट है. कोर इन्फ्लेशन है, WPI, कोर इन्फ्लेशन तो मुझे समझाना है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको बहुत वास्ट है यार, बहुत वास्ट है कि कोर सेक्टर्स क्या हैं, 8 कोर सेक्टर्स हैं एंड ऑल, बहुत कुछ है. ठीक है, तो वो अपन लोग इस सेशन में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बैंकिंग का है, और बैंकिंग जब पूरा खत्म हो जाएगा ना तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें एड ऑन करने वाली वो मैं करती रहूँगी. लेकिन अभी इस पर फोकस है कि जो आपके आने वाले एग्जाम्स है अपकमिंग, उसमें हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो मोटी मोटी बातों में मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन. ठीक है, देखिएगा, अगर जो आप लोगों को याद हो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी WPI, याद होगा WPI बोले तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बताया था. होलसेल प्राइस इंडेक्स में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो WPI है, ठीक है, जो ये WPI है ये होता क्या है, इसमें जो है हम लोग एक तरीका था, मेथड ऑफ मेजरमेंट था, किसका, इन्फ्लेशन का, बताया था ना, मेथड ऑफ मेजरमेंट था इन्फ्लेशन का. इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग सोचते थे कि जो है एक पूरी बास्केट इमेजिनेशन थी, एक बास्केट है जिसमें हम लोग उन सभी चीज़ों को भर रहे हैं जो हमारे मार्केट में डिमांड करती है, जो हमारे मार्केट में हम लोग डिमांड करते हैं, जैसे कि पेन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जितने सेक्टर्स की, उन सभी को मैंने इस बास्केट में भर दिया. इसी बास्केट का नाम क्या होता था, बास्केट ऑफ कॉमोडिटीज़. ठीक है, इसी बास्केट का नाम हुआ करता था. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी कितनी कॉमोडिटीज़ हैं जो इसमें भरी जाती हैं, ये थी आपकी 697. ठीक है, इसी का हम लोग क्या करते थे, WPI से इन्फ्लेशन निकालते थे. अच्छा, इन्फ्लेशन निकालने का जो मेथड था वो आपको पता ही है क्या होता है, करंट ईयर प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100. ठीक है, जितनी भी कॉमोडिटीज़ थी उन सब का जो है इन्फ्लेशन इस वाले मेजरमेंट से कर लेते थे, इससे मेज़र कर लेते थे. ठीक है, उसके बाद एक एवरेज निकाल लेते थे. एवरेज निकालने के बाद पता चल जाता था कि जो है किसको कितना जो है कितनी बढ़ी है इन्फ्लेशन, पता चल जाता था ना. अगर मैं कहती हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी का दाम एक साथ उठ रहा है, तो इसी को आप लोग कहते हो कोर इन्फ्लेशन. ठीक है, इसी को आप लोग क्या कहते हो, कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है कि जितनी भी चीज़ें मार्केट में डिमांडेड हैं, जो कोर में हैं, उन सभी का प्राइस उठ रहा है किसी भी रीज़न से, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोर इन्फ्लेशन. ठीक है, कभी भी ऐसा होता है तो कोर इन्फ्लेशन आप लोग बेसिक इन्फ्लेशन से भी समझ सकते हो, जैसे कि अचानक से जो है अपने मार्केट में नोट्स ज़्यादा आ गई या कुछ भी ऐसा हो गया तो सारी चीज़ों का दाम उठेगा. क्यों, क्योंकि तब तो सभी के पास पैसा है, सभी लोग डिमांड करेंगे, हर एक चीज़ की डिमांड बढ़ेगी. मुझे TV भी चाहिए, मुझे फ्रिज भी चाहिए, मुझे पार्लर भी जाना है, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे जूते भी चाहिए, मुझे खाना भी खाना है. यानी कि हर सेक्टर आप देख रहे हो, फूड हो गया, रिटेल हो गया, कपड़े हो गए, हर सेक्टर में तो डिमांड बढ़ रही है ना, सब एक साथ उठ रहा है. ठीक, तो सब एक साथ उठेगा, यानी इसके अंदर की सारी कॉमोडिटीज़ का दाम एक साथ उठेगा, और यही क्या कहलाएगा, कोर इन्फ्लेशन. आई बात समझ में? ठीक है, अब चलो अगला देखते हैं. अगला जो अभी अपन लोगों को डिस्कस करना है वो है मॉनेटरी पॉलिसी. क्या है मॉनेटरी पॉलिसी जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है? पॉलिसी समझते हो गए सभी लोग? नीति. पॉलिसी का क्या मतलब होता है? नीति. ठीक है, तो इसे कहते हैं लोग मुद्रा नीति, कुछ लोग मौद्रिक नीति भी कहते हैं. ठीक, इसको बनाने का क्या मकसद होता है? अभी आपने देखा ना कि पिछले सेशन में और पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब अपने देश में जो है अचानक से पैसे बढ़ने लगते हैं, लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है, तो कितना ज़्यादा आपने वहाँ पे सब चीज़ को नुकसान करती है, कैसे बेरोजगारी होती है. ठीक है, तो इन सबों को एक सही समय पर रोक लेना यही बेहतर होता है, और देखना कि पैसे कहीं ज़्यादा तो नहीं है, पैसे कहीं कम तो नहीं है. ठीक है, ये करने के लिए जो है एक नीति बनती है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मुद्रा नीति. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कितने पैसों की सप्लाई होगी, ये हमेशा कौन देखेगा? आरबीआई देखेगा. कौन? आरबीआई. आरबीआई के हाथ में होता है देखना कि मार्केट में कितने पैसों की सप्लाई है. ठीक है, तो आरबीआई को जो है प्रॉपर चेक करना होता है. ठीक है, प्रॉपर चेक करना होता है कि कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं. कितने दिन पे ये प्रॉपर चेक करती है? वो होते हैं 2 महीने. ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, आरबीआई के साथ एक और लोग ऐसा काम करते हैं. कौन? सरकार. ठीक है, आरबीआई के साथ एक और लोग ऐसा काम करते हैं, सरकार. सरकार भी ये काम करती है. जब भी आपके मार्केट में मनी का फ्लो डिस्टर्ब होगा तो सभी को दिक्कत होगी. ठीक है, इसी फ्लो को डिस्टर्ब ना होने देने के लिए और इसी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए दो लोग अपनी अपनी नीतियां बनाते हैं. एक कौन होती है? एक होती है आपकी सरकार, और दूसरी कौन होती है? दूसरी होती है आपकी आरबीआई. ठीक है, मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए दो लोग अपनी नीतियां बनाती है, चाहती नहीं है कि ये डिस्टर्ब हो वरना इन्फ्लेशन आ जाएगा. कौन कौन अपनी नीति बनाती है? सरकार और आरबीआई. सरकार जो नीति बनाती है, सरकार की नीति का नाम होता है फिस्कल पॉलिसी. क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, और आरबीआई जो नीति बनाती है इसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी. आई बात समझ में? ये फिस्कल पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी. अच्छा, इसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही? क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत नहीं आता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में आता है इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे. ठीक है, कई कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है. याद रखिएगा, फिस्कल सरकार बनाती है और मॉनेटरी आरबीआई बनाती है. इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए. ठीक है, तो अब जरा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. अब देखो, आपको पता है कि ये एक नीति है. ठीक है, एक नीति है जिसको बना रही है आरबीआई. अब इस नीति को आरबीआई में कोई ऐसे नहीं बनाता है, इस नीति को बनाने के लिए एक पूरी पूरी समिति होती है, कमिटी होती है जो साथ में बैठती है. उसको आप लोग क्या नाम देते हो? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ठीक है, ये कमिटी होती है जो कि इस काम को करती है. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है. अब इसके अंदर होता कौन कौन है? ठीक है, इसके अंदर होता कौन कौन है एक एक करके देखेंगे कौन से सेक्शन में डिफाइंड है. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की 3-4 बातें देखते हैं कि ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है. ठीक है, इस कमिटी की बैठक कितने दिन पे होती है, कितने कितने दिन पे ये टेन्योर है, कितने दिन पे फिर दोबारा इसकी बैठक होती है. अगला हम लोग क्या देखेंगे? इसके साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके सदस्य कौन कौन है, यानी कि मेंबर. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन लोग इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन से सेक्शन में डिफाइंड है. मॉनेटरी पॉलिसी सी की मैं बात करूँ ना, तो ये आपका सेक्शन 2-3 यहाँ लिख देती हूँ, सेक्शन 2-3 CCI में डिफाइंड है ये. ठीक है, CCI ऑफ RBI एक्ट 1934. ठीक है, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2-3 CCI ऑफ RBI एक्ट 1934. ये ट्रिपल सी है, ट्रिपल नहीं डबल होगा. ठीक है, पहला तो ये हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इसमें डिफाइंड है. अगला कितने दिन पे बैठती है, देखो कितने दिन पे बैठती है ये. इसकी जो बैठक होती है ये हर 2 महीने पे होती है, every 2 months. पहले बहुत बेकार इसका सिस्टम था, पहले जो ये बैठक हुआ करती थी 6 महीने पे होती थी. ठीक है, पहले की बात है, 6 महीने पे एक बार ये कमेटी बैठती थी और मनी का फ्लो चेक करती थी. उसके बाद इसको हटाया गया और 45 डेज कर दिया गया. ठीक है, कितना? 45 डेज. फिर एक कमेटी बनाई गई, किसके अंडर? उर्जित पटेल जी के अंडर.
उर्जित पटेल जी की एक कमेटी बनाई गई और उसमें पूछा गया कि क्या सही रहेगा अपने देश के लिए, इस बैठक को कितने कितने दिनों पे करना। उर्जित पटेल जी की कमेटी जब बैठी, उन्होंने पूरा जो है इस पे स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा हमारे देश में जो है क्या होना चाहिए। बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी, बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी ये होना चाहिए हमारे देश में, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी आएगी यानी कि कितने दिन पे बैठा करेगी, हर दो महीने पे, हर दो महीने पे अब इस कमेटी की बैठक होगी और हर दो महीने पे अपने देश में चेक होगा कि मनी फ्लो क्या है, ठीक है। क्या चेक होगा कि मनी फ्लो क्या है, कितने दिन पे, हर दो महीने में, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कौन कौन बैठता है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है ना, यानी कि कुछ सदस्य बैठते होंगे। सदस्य कौन कौन है देखिए, देखिए यहां मैं लिखती हूं मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के सदस्य, कुल इसमें 6 होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं सरकार द्वारा अपॉइंटेड, ठीक है। इनका टेन्योर 4 साल का जनरली होता है। अब आरबीआई के सदस्य की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो होते हैं ये होते हैं अपने गवर्नर। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, सबसे पहले ये होते हैं। अगले होते हैं एक इकोनॉमिस्ट डिप्यूटी गवर्नर में से, अभी तक कौन थे, विरल आचार्य, लेकिन जैसा आपको पता है विरल आचार्य ने अभी हाल फिलहाल में क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो आप लोग जरा देख के आइएगा कि क्या इनकी जगह इस कमेटी में कोई आया है या अभी तक वैकेंट है। और तीसरे हैं कौन, माइकल पैट्रा, ये आरबीआई के अंदर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये 3 लोग आरबीआई के हो गए जिन्हें सरकार चयनित करती है, उनका नाम देखिएगा, एक हो गई पमी दुआ, ठीक है, एक हो गई पमी दुआ, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है डायरेक्टर की पोस्ट पे सर्व कर रही हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई, अगली का मैं नाम लिख दूं, अगले हो गए आपके रविंद्र ढोलकिया, कौन हो गए, रविंद्र ढोलकिया। अगर रविंद्र ढोलकिया की मैं आपको बताऊं तो ये जो है IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं, कहाँ के, IIM अहमदाबाद। तीसरा कौन हो गए, तीसरे होते हैं हमारे चेतन घाटे, चेतन घाटे जो इंडियन स्टेट्स इंस्टीट्यूट के इस समय अंदर एक डायरेक्टर की पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 मेंबर हो गए, 3 आरबीआई और 3 सरकार द्वारा चयनित। ये 6 लोग हर दो महीने पे बैठ के मीटिंग करते हैं कि हमारे देश में मनी का फ्लो सही है, कैसे मनी को कम कर सकते हैं, कैसे मनी को ज्यादा कर सकते हैं। अब देखिए ये लोग कैसे करते हैं, कैसे ये लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये लोग मनी कम मनी जो है मनी के फ्लो को ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन कैसे क्या करते हैं उसको करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी अपने टूल्स बनाता है, ठीक है। आपको लड़ाई पे जाना है, आप यहाँ से बैठे बैठे थोड़े ना लड़ लोगे, आपके पास हथियार होना चाहिए। वैसे ही इनको जो लड़ाई लड़नी है ना कि मनी कंट्रोल, मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए इनके भी हथियार होते हैं। कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो ये डायरेक्ट बैंक पे डाल देते हैं और कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट डालते हैं, ठीक है। देखिए तो इनके जो हथियार होते हैं उनको मैं लिख देती हूँ ऐसे, मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स, ठीक है। क्या लिखती हूँ, मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स, देखिए मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स। अब इनके कुछ टूल्स होते हैं जो नंबर में चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और कुछ टूल्स होते हैं जो नंबर में नहीं करते हैं, जो नंबर में चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा आप लोग सोचते होंगे अब ये क्या है नंबर, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आएगा, बस बने रहिए, देखते रहिए देखते रहिए, एक भी सेशन मिस मत करिएगा वरना आपको पिछला नहीं समझ आएगा तो अगला देखने का मज़ा नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, मैंने क्या कहा, कुछ को नंबर्स में, नंबर्स मतलब क्वांटिफाई किया जा सकता है, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव
ये क्वालिटेटिव, ठीक है. क्वांटिटेटिव वो टूल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग नंबर में चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और जो दो तरीके से होते हैं, ठीक है. मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो ये लोग डायरेक्ट मार देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट मारते हैं. जो डायरेक्ट मारते हैं उनका क्या नाम हो गया, डायरेक्ट टूल्स, और जो इनडायरेक्ट होते हैं इनका नाम क्या होता है, इनडायरेक्ट टूल्स. क्या नाम होता है, इनडायरेक्ट टूल्स, ठीक है. मैंने आपको दो बता दिया कि सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होता है. क्वांटिटेटिव में फर्दर दो तरीके से बटा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अच्छा, ये सब हो क्या रहा है, ये सब हथियार तैयार किए जा रहे हैं, ये सब हथियार तैयार किए जा रहे हैं कि जो है मनी सप्लाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है. कौन इन हथियार को तैयार करता है, RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है. क्या मकसद है, इन्फ्लेशन को रोकना, इन्फ्लेशन को रेंज में रखना, ठीक है. अब देखिए इसको ज़रा, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो ना, नोट कर लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्या क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी के दोनों टाइप के टूल्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में आपको फर्दर क्या बताया गया है कि जो क्वांटिटेटिव होता है वो आगे जाके फिर कितने टाइप में डिवाइड हो जाता है, आगे जाके फिर से ये आपका दो टाइप में जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो टाइप. अब चलो नोट अगर कर लिया हो आपने, मैं आगे बढ़ती हूँ. देखो यहाँ जो है ना, मैं सारे लिख देती हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव. तो पहले अपन लोग क्वांटिटेटिव की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं, ठीक है. क्वांटिटेटिव ये हो गया, डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है. होपफुली तुम लोग समझ रहे होगे कि मैं बात क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब है. मैंने आपसे बताया ही है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं. अच्छा, RBI ये काम कैसे कर सकता है, अभी आप देखना. हमारा बैंक बैंक, और बैंकों का बैंक RBI. हमारे पास पैसे कैसे आते हैं, बैंक से, ठीक है. देखना मैं बात क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ज़रा ऐसे बना देती हूँ. जनता जो है, जनता का बैंक तो बैंक ही है, लेकिन इस बैंक का बैंक कौन है, RBI है. यानी कि RBI से जितने पैसे देगा उतने ही पैसे ये जनता को दे पाएगी. अगर RBI इसके पास से पैसे खींच लेगा तो ये चाह के नहीं दे पाएगी. अब आप सोचते हो कि RBI इसके पास से पैसे खींचेगा कैसे, वो इसलिए खींचेगा क्योंकि RBI सभी बैंकों को क्या करता है, रेगुलेट करता है, सभी बैंकों को रेगुलेट करता है. तो RBI चाहे तो इनके पैसों को क्या कर सकता है, छीन भी सकता है, ठीक है. तो इवेंचुअली जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं वो RBI है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, कैसे, बैंकों से. अब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि RBI डायरेक्ट इन पे वो नियम लगा देता है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो RBI इन पे डायरेक्ट ना लगा के इनडायरेक्ट लगाता है. तो जो डायरेक्ट लगाता है वो यहाँ डायरेक्ट, और जो इनडायरेक्ट लगाता है वो यहाँ इनडायरेक्ट, ठीक है. नाम क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताती चलती हूँ. देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मैं पहले यहाँ डायरेक्ट का नाम लिखती हूँ. डायरेक्ट होता है सबसे पहला आपका CRR, बोले तो कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है. अगला क्या होता है, SLR, इसका मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है रीफाइनेंस फैसिलिटीज. ये किसकी बात हो रही है, ये आपके डायरेक्ट वाले की बात हो रही है, ठीक है. डायरेक्ट वाले की बात हो रही है कि पहला क्या है, पहला है आपका CRR. CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो. अगला क्या है आपका SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. और तीसरा आपका रीफाइनेंस फैसिलिटीज, ठीक है. ये तीन आपके डायरेक्ट टूल्स हो गए. अभी देखो इनडायरेक्ट कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिख देती हूँ मैं. इनडायरेक्ट, इन सब का नाम लिखते चलना, इसलिए मैं अलग अलग लिख रही हूँ, फिर आपको एक साथ में समझाती हूँ. इनडायरेक्ट जो होते हैं उसमें सबसे पहला होता है आपका रेपो रेट, ठीक है. अगला होता है आपका
रिवर्स रेपो रेट, तीसरा होता है बैंक रेट, चौथा होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, फिर क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और लास्ट क्या होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन। स्कीम ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट होते हैं। देखो सो मत जाना, ठीक है, अभी मैं नाम लिखती चलूँ तो मुझे लग रहा है तुम लोग बोर ना होते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना। अगर ये अभी नहीं समझे ना तो आगे मैं चलूँगी और बताऊँगी तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, इसलिए मैं आपको अभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। क्लियर करना अपने कॉन्सेप्ट को। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया इतनी देर में, हमने पढ़ा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है कौन से सेक्शन के अंतर्गत, आपको बताया गया किस उद्देश्य से, कौन से ऑब्जेक्टिव से बनती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, किसको, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अगला, कितने दिन पे इसकी बैठक होती है, ये भी आपको बताया गया, हर 2 महीने पे इसकी बैठक होती है। ऐसा सुझाव देने वाले कौन थे, ये सुझाव देने वाले थे उर्जित पटेल जी, इनकी एक कमिटी आई थी, ठीक है। अगला, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, कोई भी लड़ाई लड़ने जा रहा हो तो हथियार चाहिए, वैसे ही इनको भी लड़ाई लड़ना है, मनी को कंट्रोल करना है, उसके लिए इनको भी हथियार चाहिए, ठीक है। उस हथियार को यूज करने वाले ये 6 प्लेयर होते हैं जो कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंडर बैठते हैं, जिसमें 3 RBI के होते हैं, 3 बाहर गवर्नर गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। अगला, टूल्स क्या क्या होते हैं, किस हथियार से लड़ते हैं, एक ऐसा हथियार होता है जिसको नंबर में फेंकते हैं 2, 4, 6, 10, और एक ऐसा होता है जो अपनी बात से मारते हैं, जिसको कहोगे क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है, यहाँ पे बात से ताना कसते हैं और यहाँ पे नंबर से खेलते हैं, ठीक है। अगला देखो, जब मैंने बात की नंबर से मारते हैं तो या तो वो डायरेक्ट नंबर से मारेंगे या तो इनडायरेक्ट मारेंगे, कैसे, मैंने आपको फिर बताई क्या बात, कि जैसे हमारे लिए बैंक, वैसे बैंक के लिए RBI, तो जो भी बैंक के पास पैसे हैं वही तो वो हमें दे पाएगा, और बैंक के पास कितने पैसे हैं ये कौन डिसाइड करेगा, RBI। कुछ ऐसी होते हैं जिससे वो डायरेक्ट उनके पैसे को बढ़ा देगा घटा देगा, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इनडायरेक्ट बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूल्स देखिए, ठीक है, डायरेक्ट में मैंने क्या क्या टूल्स लिखे, CRR SLR रिफाइनेंस, इनडायरेक्ट में क्या क्या लिखे, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये इनडायरेक्ट है, ओके। क्वालिटेटिव क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी जब क्वांटिटेटिव खत्म हो जाएगा, क्वालिटेटिव भी लेकिन डिस्कस करूंगी क्योंकि वो SBI में पूछा गया था, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को तो अपन लोगों को डिस्कस करना ही है। तो आज जो है ना CRR SLR की बेसिक्स देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। देखिए ये है CRR, होता क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है, मैं अगर आपसे पूछती हूँ इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान सा और सीधा सा मतलब होता है जो हम लोगों को बहुत टेढ़ा और बहुत टफ लगता है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी बैंक्स होते हैं अपने वहाँ पर सभी के सभी बैंक किसके अंडर में होते हैं, सभी के सभी बैंक RBI के अंडर में होते हैं, ठीक है। तो RBI ने कहा जितने भी बैंक हैं हमारे वहाँ पे, जितने भी बैंक्स हैं जो कि RBI के अंडर में हैं, इन सभी बैंक्स को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसको देना होगा, RBI को, समझ रहे हो, RBI बैंकों का पापा बन गया है और बोल रहा है जो भी तुम्हारी सैलरी आ रही है उसका कुछ हिस्सा तुम हमें दोगे, ठीक है। इन्होंने पूछा नगद ही चलेगा या किसी और तरीके से चलेगा, इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ नगद, सिर्फ और सिर्फ किस में चाहिए इन्हें, कैश में, ठीक है, मुंह फूल गया इनका। इन्होंने पूछा कितने पैसे चाहिए, इन्होंने बोला कुछ पोर्शन दे दो, पूछा अरे किस चीज का पोर्शन, तो इन्होंने क्या कहा NDTL का पोर्शन, किसका, NDTL का पोर्शन। अब ये सोच में पड़ गए, NDTL है क्या, आप भी सोच में पड़ गए होगे, NDTL क्या है मैं बताती हूँ, NDTL बोले तो
net demand time liabilities. क्या होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, ये किसका मतलब होता है, NDTL का मतलब होता है. अब इसका मतलब है क्या, मैंने क्या बताया कि सभी बैंकों को अपना कुछ पोर्शन RBI को कैश के रूप में देना होगा. किसका पोर्शन देना होगा, NDTL. अब हम लोग डिस्कस करते हैं NDTL क्या. NDTL का फुल फॉर्म है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज. एक एक वर्ड को पकड़ते चलना. सबसे पहली बात लाइबिलिटी, बैंकों के ऊपर लाइबिलिटी क्या है, बैंकों के ऊपर लाइबिलिटी का मतलब समझ रहे हो ना, एक तरीके की जिम्मेदारी जो वापस करनी है. असेट का मतलब जो संपत्ति आपकी है, लायबिलिटी आपको वापस करनी होती है जो आपने किसी से ली है. बैंक किससे लेते हैं पैसे, जनता से, ग्राहक से. ग्राहक और जनता से बैंक क्या लेता है, पैसा लेता है. कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो आप लोग डिमांड डिपॉजिट में जमा करते हो, जो मैं आपको पहले भी बताई थी. डिमांड डिपॉजिट का मतलब जो आप अपने मन के हिसाब से निकाल लो, अपने मन से डाल दो, जैसे सेविंग और करंट, ठीक है. तो कुछ जनता के ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो किस में आते हैं, डिमांड, जैसे कि सेविंग अकाउंट वाले और करंट अकाउंट वाले. अब जनता ने अपने पैसे बैंक को डिपॉजिट में दिए हैं, रखने को दिए हैं, वो बैंक का थोड़ी ना है, बैंक को वापस करना है. यानी वो डिपॉजिट बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है. आई बात समझ में. अगला टाइम, मैंने आपको बताया था कि जो भी FDRD है, क्या आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, नहीं, एक समय से बंधे हुए हो कि इस समय के बाद ही आप उसको निकाल सकते हो. आ रही बात समझ में. तो जो भी ऐसे पैसे हैं, जो भी ऐसे जनता ने पैसे जमा किए हैं FD और RD, ये बैंकों के ऊपर लायबिलिटी है. किस तरीके की, टाइम. क्यों, क्योंकि एक समय के बाद ये बैंकों को वापस करना है. यानी जनता को जो भी डिपॉजिट होता है डिमांड में और टाइम में, वो बैंक के ऊपर क्या होता है, लायबिलिटी. अब ये होता क्या है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या है, ये समझ लो. मान लो SBI ने कहा कि जितनी भी मेरी शाखाएं हैं भारत में, पूरे भारत में मेरी जितनी भी शाखाएं हैं, देखो आज उन सभी शाखाओं में करंट और सेविंग अकाउंट में कितने पैसे जमा किए गए हैं, कितने पैसे जमा किए गए हैं, जमा किए गए हैं तो इनके पास आए हैं. आगे मैंने प्लस लगाया, इन्होंने देखा पूरे भारत में मिला के देखा तो इन्हें पता चला इनके बैंक में 150 करोड़ जमा किए हैं. कितने जमा किए हैं, 150 करोड़, ठीक है. फिर उन्होंने कहा और देखो पूरे भारत से, मेरे सभी बैंकों से, करंट और सेविंग अकाउंट से कितने पैसे निकाल लिए गए हैं. पहले क्या देखा, जमा किए गए हैं, फिर कितने निकाले गए हैं. निकालने पे इन्होंने क्या देखा, 100 करोड़ निकाले गए हैं. आगे क्या लगा, नेट. टोटल होता तो 250 होता, लेकिन नेट का मतलब क्या होता है, इन दोनों का नेट, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. तो ये हो गया आपका 50 करोड़ बच गया, 50 करोड़ नेट अमाउंट बच गई यहाँ पे RBI के पास, सॉरी SBI के पास. फिर उन्होंने कहा देखो जरा आज हमारे वहाँ टाइम में कितने पैसे लगाए गए हैं, यानी कि FDRD में पूरे भारत में कितने पैसे जमा किए गए हैं. जब इन्होंने ये देखा तो इन्हें पता चला 225 करोड़ जमा किए गए हैं. फिर कहा कितने निकाले गए हैं, तो इन्हें पता चला 175 करोड़ निकाले भी हैं. यानी कि कुछ जनता पैसा जमा कर रही है, लेकिन कुछ जनता के पैसे मिले भी तो होंगे ना, वो निकाल कर ले गई होगी. इसको भी इन्होंने किया, कितना आया, 50 करोड़. इन दोनों को मिला दो कितना हो गया, 100 करोड़. यानी कि जो दिन भर का इनका नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी था वो कितना था, 100 करोड़. आई बात समझ में. ये होता है NDTL. अब देखो RBI क्या कहता है, RBI बैंकों से कहता है अपनी NDTL का कुछ हिस्सा RBI को दे दो कैश के फॉर्म में. और NDTL इनकी कितनी आई थी, इनकी NDTL आई थी 100 करोड़. बैंक ने पूछा कितना चाहिए भैया आपको, कितना पैसा चाहिए, इन्होंने कहा 4%. 100 करोड़ का 4% कितना हो गया, 4 करोड़. यानी ये 4 करोड़ किसके पास चला जाएगा, RBI के पास. जो ये नियम होता है ये किसके अंदर आता है, ये आता है CRR के अंदर, ठीक है. अगला क्या है, अगला देखो, इसी तरह का एक और नियम होता है SLR. कौन सा, SLR. अब SLR में क्या होता है, SLR में ये होता है कि RBI सभी बैंकों को कहता है कि फिर से अपने NDTL का कुछ पोर्शन निकालो और ये अपने खुद के पास जमा करो, अपने ही पास में इसको जमा कर लो. बैंक ने पूछा इसको किस तरीके से जमा करना है, तो इन्होंने क्या कहा, इसको तुम कैश के रूप में भी जमा कर सकते हो, गोल्ड के रूप में भी जमा कर सकते हो, और सरकार की सिक्योरिटी के रूप में भी जमा कर सकते हो. किस किस रूप में, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी.
तो ये जो दूसरा नियम लेकर आए ना, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया SLR। पहला नियम मैंने क्या बताया? पहला नियम डायरेक्ट होता है, RBI डायरेक्ट बैंकों से कह रहा है, तभी वो डायरेक्ट के अंडर आ रहा था। डायरेक्ट कहा कि अपने NDTL का कुछ पोर्शन मुझे दो कैश के रूप में, ये वाला नियम क्या था? CRR। अगला उसने कहा कि अपने NDTL का कुछ पोर्शन अपने पास रखो कैश, गोल्ड या सरकारी सिक्योरिटी के रूप में, ये वाला नियम क्या कहलाया? SLR। क्या कहलाया? SLR। ठीक है, अब CRR और SLR किस तरह से वर्क करती है, क्या करती है, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोग बोर नहीं होते होगे, और अगर बोर हो रहे हो तो पानी वानी पी लो। ठीक है, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो क्या कर लो, पानी वानी थोड़ा सा पी लो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमारी बात ये हुई थी कि जो CRR SLR होता है, ठीक है, इससे मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। जरा याद करते चलना, क्या कहा था? मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, और वो भी कैसे? डायरेक्ट कर रही है, ये तो डायरेक्ट में आ रहा है ना, कैसे कर रही है? एक इंस्टेंस के लिए सोचना कि मान लो एक बैंक है जिसका नाम है SBI रखते हैं, मान लो SBI है। SBI जो है इसका NDTL 100 करोड़ का है, कितने रुपए का? 100 करोड़ का। ठीक है, इसका NDTL कितने रुपए का है? 100 करोड़ का है, और जितने पैसे होंगे ये उन पैसों को क्या करना चाहेगी? उन पैसों को ऐसे लगाना चाहेगी कि इसको मुनाफा हो। तो इसने सोचा क्यों ना इस 100 करोड़ को हम लोन पे दे दें। लोन पे देगी तो इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पाएगी, तो ये लोन पे देना शुरू कर दी। किसको? अपने पैसे को। SBI ने जो इसकी NDTL 100 करोड़ की आ रही थी, वो इसने क्या किया? लोन पे देना शुरू कर दिया ताकि इसको इंटरेस्ट मिले। ठीक है, खूब लोन दे रही थी। फिर इसने देखा कि CRR SLR के अंतर्गत क्या आ रहा है। इसने देखा कि CRR अभी 0% है और SLR भी अभी 0% है। 100 करोड़ का 0% जीरो, एक भी रुपया नहीं देने हैं। फिर 100 करोड़ का 0% जीरो, एक भी रुपया नहीं देने हैं। यानी इन्हें कोई रुपया किसी के पास नहीं जमा करना, ना RBI के पास ना अपने पास, सारा इनके पास बचा हुआ है। इन्होंने सारा मौज में लोन दिया, खूब इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि जनता जो है अपनी डिमांड बढ़ाए। जनता कभी भी लोन लेने कब जाएगी? जब इंटरेस्ट कम होगा या इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। जब इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगा। तो इन्होंने डिमांड बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट को क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, अब धड़ाधड़ पैसे निकलने लगे, सब डिमांड करने लगे, एकदम से इन्फ्लेशन क्या हो गया? बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया। RBI बहुत परेशान, अब करें तो क्या करें, इनको समझा रही है, बाबू भैया कर रही है, ये मान ही नहीं रहे हैं। तो RBI को याद आया कि अभी मैं एक नियम लगाऊंगा इनके ऊपर तो ये शांत बैठ जाएंगे। RBI ने क्या किया? RBI ने कहा कि अब से CRR 10% और SLR 20%। कितना हो गया? 10% और 20%। SBI का मूड ऑफ, क्यों? 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ का 10% कितना हुआ? 10 करोड़। 10 करोड़ किसको देना पड़ा? RBI को, क्योंकि CRR किसके पास जमा होता है? RBI के पास। SLR कितना? 20%, यानी 100 करोड़ का 20% कितना? 20 करोड़। 20 करोड़ क्या करना पड़ा? अपने पास जमा करके रखना पड़ा। 10 करोड़ इधर गया, 20 करोड़ इधर गया। ठीक है, 10 और 20 30, 10 में से 30 हटा दो, कितना बचा? 70 करोड़। पहले कितना था? 100, अब कितना है? 70। अब फिर RBI लोन दे रही है, लेकिन इसका मूड ऑफ है। क्यों? क्योंकि पहले ज़्यादा पैसे लोन पे दे रही थी, अब कम दे रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अभी भी इसे क्या करना है? मेंटेन करना है। क्या करना है? मेंटेन। किस चीज़ को? प्रॉफिट मार्जिन को। इसी प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए ना चाहते जो पहले इंटरेस्ट एकदम कम कर रही थी ना, अब उस इंटरेस्ट को क्या करेगी? बढ़ा देगी। क्या करेगी? बढ़ा देगी। इसने इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वैसे ही जो जनता डिमांड कर रही थी वो जनता क्या करेगी? पीछे हो जाएगी, भैया रहन दो, हमें लोन नहीं चाहिए। यानी अब इनके लोन की डिमांड क्या हो गई? गिर गई। लोन की डिमांड गिरेगी, लोगों के हाथ के पैसे कम होंगे, और धीरे 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 क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहोगे हमने क्या बात करी, कि SBI के पास 100 करोड़ रुपए थे, इनका NDTL 100 करोड़ का था, ठीक है, और अभी CRR SLR दोनों कितना था? जीरो, यानी इन्हें कोई पैसा जमा नहीं करना था। तो जितने पैसे थे ये लोन पे निकाल दिए, और चाहते थे ज़्यादा लोन इनका निकले, जिसके लिए इन्होंने इंटरेस्ट
कम कर दिया, कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा लोग डिमांड किए, ज़्यादा डिमांड हुई, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी और इसी से क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। ऐसा हो रहा था, अचानक क्या किया, अचानक इन्होंने देखा कि जो है, अचानक इन्होंने क्या देखा कि अब ये बढ़ता जा रहा है। आरबीआई को याद आया कि इसके पास एक टूल है, क्या है, एक सीआरआर है और दूसरा एसएलआर है। आरबीआई ने कहा सीआरआर को मैं 0% से बढ़ाकर 10% कर रहा हूँ और एसएलआर को मैं 0% से बढ़ाकर 20% कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था सीआरआर एसएलआर में, सीआरआर में क्या करना होता है, बैंकों को कुछ पोर्शन आरबीआई को देना होता है, किस रूप में, कैश के रूप में। और एसएलआर में बैंकों को कुछ पैसे कहाँ देने होते हैं, अपने पास रखने होते हैं, कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब इसी के तहत क्या किया गया, अब इसी के तहत जो है देखो भाई क्या बताया, हाँ, अब इसके तहत क्या हुआ, सीआरआर 10% हो गया था ना, तो 10% किसको देना पड़ा, 10% इन्हें देना पड़ा आरबीआई को, यानी 10 करोड़, और 20% यानी 20 करोड़ अपने पास रखा, यानी 30 करोड़ गया, कितना बचा, 70 करोड़, 100 करोड़ से कम है ना। जब पैसे कम हो गए तो लोन का प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए ना चाहते हुए इंटरेस्ट बढ़ा, जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे ही जनता की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि जनता की डिमांड कम करने के लिए सीआरआर को 0% से 10% किया गया, यानी सीआरआर बढ़ाया गया। उसी तरह से जनता की डिमांड को कंट्रोल या कम करने के लिए एसएलआर को भी क्या किया गया, बढ़ाया गया। यानी कभी भी अगर सीआरआर एसएलआर बढ़ रहा है, यानी कि जनता की डिमांड को कम करना इनका ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। अब सीआरआर और एसएलआर की हम लोग थोड़ी एक बात और बस कर लें, एक मिनट की और बात होगी ये। सीआरआर और एसएलआर दोनों लगाने वाला आरबीआई ही है, ठीक है, और दोनों डायरेक्ट लगाता है, हर बैठक में इसको डिसाइड करता है कितना होना चाहिए, ठीक है। सीआरआर का जो रेट होता है वो भी डिसाइड करेगा, एसएलआर का रेट भी डिसाइड करेगा, दोनों का दोनों डिफाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। सीआरआर जो है ये आपका सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइंड है, और एसएलआर जो है, एसएलआर आपका सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइंड है। आ रही बात समझ में, तो ये दोनों जो है ना, दोनों के दोनों क्या है, डिफाइंड है सेक्शन में, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए आरबीआई इनका क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। आ रही बात समझ में, अब इस पे जो भी और डिस्कशन है ये अपन लोग अगली क्लास में करेंगे और ज़्यादा डिटेल्स में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे और लोगों में शेयर करिए, बिकॉज मैंने कमेंट्स देखा था कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता है कि इसकी क्लासेस चल रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही साथ जो है आपकी एक मॉक आ रही है, ठीक है, मॉक आपकी सैटरडे को आएगी, फिर से आएगी, तो उसके लिए रेडी रहिएगा और ज़्यादा लोगों को बता दीजिएगा, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स भी आती है आपकी वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पे, उसे भी आप लोग देख सकते हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और आपका दिन मंगलमय हो, थैंक यू।